हेलो फ्रेंड्स, सादे पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो कि संबंधित है एक धार्मिक नगरी, एक धार्मिक स्थल और धार्मिक स्थल में मौजूद उपस्थित मंदिर को लेकर। दोस्तों, आज ये जो बातें हैं जो कि आप लोगों के लिए हो सकता है जाना पहचाना हो, पर हम लोग कोशिश करेंगे जो जानकारी है परीक्षा उपयोगी माध्यम से रहे और थोड़ा डिटेल में रहे, तो जरूर इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए ताकि चीज़ें जो है स्पष्ट रहे, क्लियर रहे और कोई भी सवाल इससे संबंधित आते हैं तो वो आपसे पूरे बनने चाहिए और ज़रूर बनेंगे, विश्वास रखिएगा। पर इसको हम लोग एक कहानी के माध्यम से और एक सामान्य पिक्चराइजेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि इनमें क्या क्या ऐसी खास बातें, यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो सवाल के रूप में बनते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो पूरा केंद्रित है डोंगरगढ़ स्थित माँ बम्लेश्वरी के ऊपर। आप सभी को ज्ञात है दोस्तों कि ये जो डोंगरगढ़ है हमारे दुर्ग संभाग के अंतर्गत जिला राजनांदगांव में एक तहसील है डोंगरगढ़, वहीं पर है एक महत्वपूर्ण मंदिर, पावन धाम, पावन तीर्थ है, हिंदुओं के आस्था धर्म का केंद्र आपका बम्लेश्वरी। तो माँ बम्लेश्वरी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि इनके निर्माण किसने किया, क्यों, कौन से शासनकाल में हुआ, कैसे हुआ, क्या था इनके पीछे कारण, यहाँ पर क्या विशेष विशेषताएँ हैं, क्या क्या देखने लायक है। साथ ही साथ इसके अलावा और भी जानेंगे कि डोंगरगढ़ में माँ बम्लेश्वरी मंदिर के अलावा और भी धार्मिक केंद्र क्या है। ठीक है, यहाँ केवल हिंदू धर्म से संबंधित नहीं बल्कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित भी महत्वपूर्ण स्थल है, तो उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट करें, चलिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहे हो डाइग्राम में, ठीक है, एक पहाड़ है और ये पहाड़ है डोंगरगढ़ में स्थित पहाड़ है। डोंगर मतलब होता है दोस्तों पहाड़ या डोंगरी, है ना, स्थानीय शब्द में बोलते हैं डोंगर या डोंगरी। डोंगरी मतलब थोड़ा कम हाइट का, डोंगर मतलब थोड़ा ज़्यादा हाइट का, ठीक है। तो डोंगर और गढ़ मतलब होता है किला। तो यहाँ पर जो है डोंगरगढ़ मतलब किला वाला किला नहीं है, एक बहुत सारा समूह। तो यहाँ डोंगर का समूह है अर्थात पर्वतों का समूह है, छोटे छोटे बड़े पर्वत, बहुत सारे पर्वत जो है उस क्षेत्र में हैं। आपको मालूम होगा कि आपका जो राजनांदगांव जिला है और कवर्धा जिला है, ये मैकल पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है और उन्हीं का विस्तार इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो छोटे बड़े पर्वत है इसलिए इसका नाम पड़ गया डोंगरगढ़। तो ये देखिए आपका दोस्तों डोंगरगढ़ है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो डोंगरगढ़ है ये भव्य नगरी है, ठीक है, धार्मिक भव्य नगरी। इसको हम लोग आज अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुने, समझे, देखें और आप लोग याद भी करें क्लास में ही, ठीक है दोस्तों। तो देखिए डोंगरगढ़ का जो है प्राचीन नाम, सबसे पहले इसका नाम कुछ और था और वो नाम था कामाख्या नगरी, ठीक है। पहले जो है कामाख्या नगरी के नाम से जाना जाता था, आज से लगभग 2-2.5 हज़ार साल पहले की बात करें तो, ठीक है, डोंग राज्य के नाम से भी जाना जाता था। तो डोंगरगढ़ का नाम जो है डोंग राज्य या फिर कामाख्या नाम के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में पड़ा कामावतीपुरी और फिर जो है बाद में पड़ा डोंगरगढ़ जो आज भी है डोंगरगढ़। तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है था, तो डोंग राज्य और कामाख्या नगरी, फिर बाद में कामावतीपुरी और अंततः या फिर वर्तमान में कह सकते हो ये डोंगरगढ़ के नाम से। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कुछ इतिहास है इसके पीछे, डोंगरगढ़ का इतिहास काफ़ी कुछ बतलाता है कि यहाँ पर क्या क्या ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना, यहाँ का जो इतिहास है लगभग 2500 वर्षों पुरानी है, 2500 वर्षों पुरानी है। तो उसमें अगर आप पन्ने को पलट के देखेंगे, इतिहास के पन्ने को पिछले समय में जाएंगे, तो यहाँ पर एक राजा हुए थे राजा वीरसेन, ठीक है, राजा वीरसेन का यहाँ पर एक शासन था, है ना, लगभग कह सकते हो आज से 1500-2000 साल पहले। तो राजा वीरसेन राजा थे, ठीक है, इनकी पत्नी थी, दोनों जो है निसंतान थे, मतलब इनके नीचे पुत्र नहीं थे, ठीक है, याद रखना राजा वीरसेन और इनकी पत्नी, इनका कोई संतान नहीं था। तो इनको बताया कि आप जो है उपासना करिए, है ना, माँ पार्वती का, माँ जगदम्बे का, माँ भगवती का, ठीक है, और भगवान भोलेनाथ का। तो इस उद्देश्य से उन दिनों जो है माहिष्मती जाते हैं और माहिष्मती में स्थित मंदिर में ये लोग पूजा उपासना करते हैं, ठीक है, और फिर जो है संतान की प्राप्ति होती है एक साल के भीतर ही। तो वीरसेन जो है पुत्र प्राप्ति की खुशी में, ठीक है, पुत्र होता है उनका नाम है महेंद्र सेन, तो राजा वीरसेन का पुत्र होता है महेंद्र सेन, पूजा उपासना करने के बाद, ठीक है, माँ भगवती और भगवान भोलेनाथ के। तो फिर उसके बाद जो है महेंद्र सेन की खुशी से जो है राजा वीरसेन जो है
अपने क्षेत्र में बकायदा पहाड़ी के ऊपर डोंगरगढ़ में माँ महेश्वरी, ठीक है, याद रखना दोस्तों, उस समय जो है राजा वीर सेन जो मंदिर का निर्माण करवाता है उस माता का नाम जो है महेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है, महेश्वरी माता या फिर विमला माता। तो याद रखेंगे दोस्तों, विमला माता या फिर महेश्वरी माता किनका नाम है? बम्बलेश्वरी का नाम। तो बम्बलेश्वरी जिसको आज आप लोग जानते हैं उनका प्राचीन नाम था महेश्वरी माता और विमला माता, और इनका संस्थापक निर्माणकर्ता कौन है? राजा वीरसेन, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किनके खुशी में? संतान पुत्र के खुशी में, ठीक है। ये इनके पुत्र हैं। किनके पुत्र? वीरसेन के। तो इनके कहना चाहिए जन्म के खुशी में इन्होंने, राजा वीरसेन ने क्या करवाया? महेश्वरी माता विमला माता का मंदिर का निर्माण करवाया। फिर क्या होता है, महेंद्र सेन का पुत्र होता है कामसेन, ठीक है। महेंद्र सेन का पुत्र क्या होता है? कामसेन होता है। तो कामसेन की खुशी में कहना चाहिए महेंद्र सेन, ठीक है, नाम को चेंज करवा देता है, जगह का नाम कामावतीपुर। तो कामसेन के शासनकाल में जो है आपका जो डोंगरगढ़ है उसका नाम क्या पड़ जाता है? कामावतीपुर, है ना, कामावतीपुर या पुरी। तो ये परीक्षा में बार बार आता है कि कामावतीपुरी किसका प्राचीन नाम था, तो याद रखेंगे डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम था, ठीक है। और कामसेन का पुत्र होता है क्या आपका? महेंद्रदित्य। ये महेंद्रदित्य काफ़ी कहना चाहिए योग्य रहता है ना, इसका जो कहना चाहिए स्वभाव कामसेन के जस्ट विपरीत कहना चाहिए, उनके विपरीत रहता है। तो यहाँ पर महेंद्र सेन का पुत्र कामसेन, कामसेन के शासनकाल में जो है इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? कामावतीपुरी। तो इस प्रकार से उज्जैन, ठीक है, जैसे भव्य नगरी था कहना चाहिए आज भी है, वैसे ही हमारे यहाँ आपका डोंगरगढ़ बहुत ही भव्य नगरी, अलग अलग समय में इनके अलग अलग नाम थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर बम्बलेश्वरी की क्या खास बातें हैं डोंगरगढ़ में स्थित माँ विमला माता और महेश्वरी माता। तो प्रश्न आएगा महेश्वरी माता किनका नाम, विमला माता किनका नाम, तो आपको ध्यान में रखना है बम्बलेश्वरी का जो है प्राचीन नाम था, और इस मंदिर का संस्थापक कौन कहोगे? वीर के सेन के द्वारा इनकी स्थापना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये आपका डोंगरगढ़ की पहाड़ी है ना, तो डोंगरगढ़ में जो है पूछा जाता है कि बम्बलेश्वरी की जो मंदिर है, बम्बलेश्वरी जो मंदिर जो शीर्ष में है कहना चाहिए शिखर पर, ये कौन से पहाड़ पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों डोंगरगढ़ में जो पहाड़ी का नाम है वो है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, ठीक है, प्रज्ञागिरी पहाड़ी। और यहीं इसी पहाड़ी से जुड़ा हुआ है आपका चंद्रगिरी की पहाड़ी। तो प्रज्ञागिरी पहाड़ी और चंद्रगिरी पहाड़ी आपको याद रखना है। तो सवाल आपसे पूछा जाए कि बम्बलेश्वरी मंदिर किस पहाड़ी के शिखर में या किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है प्रज्ञागिरी पहाड़ी बोलना है, ठीक है। इस पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 490 मीटर है। कितना है लगभग? लगभग हाइट इसका 490 मीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक है, लगभग 1000 फीट। अब यहाँ चढ़ने के लिए बकायदा सीढ़ी का निर्माण कराया गया। ये देखो ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी में चढ़ के आप पहुँच सकते हैं शिखर पर माँ बम्बलेश्वरी के मंदिर के ऊपर, ठीक है। यहाँ जाने के लिए रोप वे भी बनाया गया है, जिनका जो जैसे कि कोई वृद्ध अवस्था में है, मोटापा ज़्यादा है या फिर जाने में तकलीफ है पैरों में, तो लोग रोप वे के माध्यम से भी यहाँ पर जा सकते हैं, सीधा शासन द्वारा दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रज्ञागिरी पहाड़ी है देखा जाए तो ये हरा भरा, यहाँ पर बड़े बड़े चट्टान भी हैं, ठीक है, नीचे एक कहना चाहिए छोटा सा क्षीर पानी जलाशय भी है, झील कहना चाहिए, और एक महत्वपूर्ण तालाब है वहाँ पर काम कदला माधवानल तालाब। ये काम कदला माधवानल याद रखना दोस्तों कि कामसेन के समय में, ठीक है, कामसेन के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण कहना चाहिए, पर कहना चाहिए इसे शासनकाल की एक मशहूर नृत्यांगना हुई जिनका नाम था क्या? काम कदला। याद रखना है दोस्तों कामसेन के समय में मशहूर नृत्य की थी कौन? काम कदला, ठीक है, जो कि प्रमुख रूप से नृत्यांगना थी। इनका प्रेम संबंध होता है, पढ़ोगे, माधवानल। ये माधवानल जो है एक मशहूर संगीतज्ञ थे, इन दोनों की प्रेम कहानी है जो कि जुड़ी है कामसेन और उनके पुत्र महेंद्रादित्य के समय की। तो मैं चाहूँगा कि इसकी वीडियो आएगी आप लोगों को प्रेम कथा, प्रेम कहानी के रूप में काम कदला और माधवानल, उसका आप लोग जरूर सुनेंगे। मैं वहाँ पर डिटेल में बताऊँगा कि इनकी प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई और कैसे इनके शासनकाल में वो महत्वपूर्ण घटना जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुई, तो उसको आप लोग जरूर सुनिएगा। तो यहाँ पर कामसेन से संबंधित जब इनके समय काम कदला माधवानल, तो यहाँ पर आपको तालाब मिलेगा इनके नाम का, ठीक है। तो ये हो गया, आपको जानकारी में रखना है।
अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है, जहाँ पर बम्लेश्वरी माता का मंदिर स्थित है, ठीक है। इसी प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में आपका बुद्ध की विशाल प्रतिमा है, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। और ठीक ऐसे ही इसी से जुड़ा हुआ चंद्रगिरी पर्वत में यहाँ पर महावीर जैन की विशाल प्रतिमा है, ठीक है। महावीर जैन की विशाल प्रतिमा है। तो इस प्रकार से प्रज्ञागिरी पहाड़ी में याद रखना, बम्लेश्वरी के मंदिर के साथ साथ आपका बुद्ध की विशाल प्रतिमा है, जो कि बौद्ध धर्म का केंद्र है, धार्मिक स्थल है। साथ ही साथ चंद्रगिरी में आपको याद रखना है कि यहाँ पर महावीर जैन की प्रतिमा है कहना चाहिए, तो उससे जुड़ा वहाँ पर जैन धर्मों का भी आस्था का केंद्र, धार्मिक केंद्र है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जो बम्लेश्वरी देवी है ऊपर में जो स्थित है कहना चाहिए, नीचे भी मंदिर है धरातल में, ठीक है। याद रखना नीचे में भी एक मंदिर है जिसको बोलते हैं छोटे बम्लेश्वरी, ठीक है। क्या बोलते हैं? छोटे बम्लेश्वरी माता का मंदिर। तो ये छोटे से बम्लेश्वरी माता के मंदिर में जो है इसका निर्माण कहा जाता है कि वर्ष 1890 के और 1908 के बीच में खैरागढ़ रियासत के राजा हुए, है ना। याद रखना खैरागढ़ रियासत के शासक, ठीक है। खैरागढ़ रियासत के शासक आपको याद रखना है दोस्तों, जिनका नाम था कमल नारायण सिंह। क्या नाम था? कमल नारायण सिंह, ठीक है दोस्तों, कमल नारायण सिंह। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे 1890 से 1908 के बीच में खैरागढ़ रियासत के शासक थे कमल नारायण सिंह। कहा जाता है कि इनके द्वारा जो है नीचे में मंदिर की स्थापना हुई, जिनका नाम क्या था? छोटे बम्लेश्वरी माता, ठीक है, छोटे बम्लेश्वरी माता, ठीक है। कब? 1890 से 1908 के बीच में खैरागढ़ की रियासत थे कमल नारायण सिंह। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है अनन्य भक्त थे माँ दंतेश्वरी, ये माँ दंतेश्वरी बोलते हैं, माँ बम्लेश्वरी के। और इन्हें जो है जस गीत के रूप में माता की भक्ति के लिए गीत गाया, और ये जस गीत जो है आज बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि नवरात्रियों में गाया जाता है। तो जस गीत के जनक कह सकते हो छत्तीसगढ़ अंचल में। तो यह जो गीत किनके द्वारा शुरुआत किया गया? कमल नारायण सिंह में के द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, समय पूछा जाएगा तो 1890 से 1908 के बीच में इस मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो बम्लेश्वरी मंदिर है इसके विकास के लिए काफ़ी कुछ कार्य किए गए हैं, यहाँ पर ट्रस्ट बनाया गया है। और दोस्तों इससे संबंधित याद रखेंगे महत्वपूर्ण कि प्रसाद योजना के तहत, ठीक है, प्रसाद योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा 2015 में संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मतलब है आपको याद रखना है दोस्तों, P4 आपको याद है पिलिग्रिम्स, R4 रेजुनेशन, ठीक है, A4 याद रखना है एंड स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ठीक है। तो इस योजना के माध्यम से भारत के जितने भी धार्मिक स्थल केंद्र हैं उनके विकास के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए उनको चिन्हित किया गया। तो उसी तारतम्य में जो है 2020 को, ठीक है, 2020 में जो है आपका जो है बम्लेश्वरी क्षेत्र को शामिल किया गया, ठीक है। 2020 को शामिल हुआ क्या आपका? डोंगरगढ़। तो डोंगरगढ़ के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा लगभग 43 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, और इस माध्यम से यहाँ पर बनेगा श्री यंत्र। याद रखें यहाँ पर क्या बनने वाले है? श्री यंत्र आपको ध्यान में रखना है, जहाँ श्री यंत्र के माध्यम से यहाँ रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सारा चीज़ की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सारा चीज़। और ये हमारे छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए ये पहला ऐसा साइट है कहना चाहिए जिसको शामिल किया गया प्रसाद के अंतर्गत। अब इससे क्या होगा फ़ायदा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ में जो डोंगरगढ़ है वो भारत के मानचित्र में जो धार्मिक पर्यटन वाली जो लिस्ट है सूची, उसमें ये नाम शामिल हो जाएगा डोंगरगढ़। तो कोई भी विदेशी पर्यटक अगर चाहे घूमना, तो अगर उसको जानकारी होगी छत्तीसगढ़ में, तो जानकारी के माध्यम से वो जरूर आना चाहेगा एक बार डोंगरगढ़। तो बहुत सारे लाभ होंगे आपके डोंगरगढ़ को। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो बम्लेश्वरी है, जो कि कहना चाहिए याद रखना दोस्तों, वो जो बम्लेश्वरी नाम है ये कैसे पड़ा? तो ये विक्रमादित्य के शासनकाल में इसका नाम पड़ा, ठीक है, अर्थात कह सकते हो कामसेन के समय में, ठीक है। इसका नाम पहले बगुला देवी भी था, बगलामुखी देवी, तो बगलामुखी देवी का ही अभ्रंश पड़ा बम्लेश्वरी देवी। तो इस प्रकार से दो तीन नाम हुए आपके बम्लेश्वरी माता के।
अब आइए दोस्तों, यहाँ प्रज्ञा पहाड़ी पर स्थित आपका जो विशाल बुद्ध की प्रतिमा है, इनके नाम से यहाँ पर जो है एक महोत्सव होता है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। ठीक है, इनके नाम से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है। कहाँ पर? डोंगरगढ़ में। तो याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आते भी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ होता है छत्तीसगढ़ में, तो डोंगरगढ़। एक और होता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव, वो सिरपुर में होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन वहाँ महोत्सव। तो यहाँ पर जो है बुद्ध प्रतिमा है जो कि धार्मिक केंद्र हो जाता है बौद्धों का, तो यहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं, जितने भी एशियाई देश है, जैसे कि आपका नेपाल हो गया, पड़ोसी देश है आपका जो है चीन हो गया, ठीक है आपका इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, और आसपास के जितने देश है, श्रीलंका हो गया, ठीक है, तो यहाँ के जो एशियाई देश है, दक्षिण एशियाई देश, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वहाँ के बौद्ध धर्म के जो गुरु होते हैं यहाँ पर आकर एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं। अभी कहना चाहिए ये लगभग फरवरी के आसपास होता है। ठीक है, अभी 21वां या 29वां था आपका बौद्ध सम्मेलन। ठीक है, तो ध्यान में रखना, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध प्रतिमा का अनावरण हुआ है, यहाँ पर एक विशाल सम्मेलन होता है। ठीक, ऐसे ही चंद्रगिरी पहाड़ी पर जो है महावीर जैन प्रतिमा है, तो यहाँ पर एक बहुत ही कहना चाहिए विख्यात कार्यक्रम, या फिर कह सकते बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम या महोत्सव, जिसका नाम है संयम स्वर्ण महोत्सव। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर एक कार्यक्रम होता है संयम स्वर्ण महोत्सव। तो ये जो संयम स्वर्ण महोत्सव है, आपको ध्यान में रखना है, महावीर जैन के कहना चाहिए अनुयायी विद्यासागर जी, है ना, विद्यासागर जी के द्वारा जो है ये स्थापना या फिर कह सकते हो शुरुआत किया गया, या उनके तत्वाधान में जो है ये प्रारंभ हुआ है विद्यासागर मुनि के द्वारा। ठीक है, तो विद्यासागर मुनि के याद में, ठीक है, यहाँ पर संयम स्वर्ण महोत्सव की कार्यक्रम या महोत्सव होता है, अक्सर जून में होता है ये। ठीक है, तो ये जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाता है छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ में संयम स्वर्ण महोत्सव। प्रश्न आते हैं कि बताइए संयम स्वर्ण महोत्सव का आयोजन राज्य में कहाँ होता है, तो आपके चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित आपका जो है जैन धर्म स्थल पर। दुर्ग में भी आप लोग सुनेंगे, एक नागपुरा करके क्षेत्र है वहाँ पर भी होता है, पर बेसिकली बड़ा जो है बड़े स्तर पर संयम स्वर्ण महोत्सव आपके चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित, जो कि डोंगरगढ़ में है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है इस महोत्सव के बारे में। तो इस प्रकार से दो महोत्सव, जैन धर्म के लिए संयम स्वर्ण महोत्सव, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, और हमारे हिंदू धर्म के लिए कहना चाहिए या फिर शाक्त धर्म से संबंधित जो अनुयायी है उनके लिए यहाँ पर नवरात्रि में 9 दिन का मेला लगता है, चाहे वो शारदीय नवरात्रि हो, चाहे आपका चैत्र नवरात्रि में। देश विदेश के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। एक प्रकार से कहना चाहिए ये जो स्थल है धार्मिक नगरी, पावन नगरी, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा भीड़ या फिर श्रद्धालुओं की भीड़ वाली कहना चाहिए धार्मिक नगरी है, लाखों की संख्या में आते हैं। दोस्तों याद रखना, ये जो मंदिर है बम्लेश्वर, इसको जागृत शक्तिपीठ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि विक्रमादित्य जब थे, तो जब कहानी घटित हुई थी आपके कामकदला और माधव नल के समय में, तो उस समय उन्होंने वरदान मांगा था, तब उन्होंने कहा था कि माता जी आप जो है यहाँ पर मंदिर में जागृत अवस्था में रहिए करके, तो उनके आदेश को जो है मानकर, उनके प्रार्थना को मानकर जो है माता जी यहाँ पर जागृत रूप में शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पर विद्यमान है, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो बम्लेश्वरी माता, जिनका प्राचीन नाम था महेश्वरी माता, ठीक है, विमला माता, नगर का नाम था पहले प्राचीन काल में डूंग राज्य, कामाख्या नगरी, कामावतीपुरी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है ये मंदिर के बारे में, डोंगरगढ़ स्थान के बारे में। तो डोंगरगढ़ में और आपको ध्यान में रखना है कामकदला तालाब, क्षीरपानी जलाशय, ये भव्य नज़ारा जो है प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज है ये पूरा क्षेत्र। तो मैं चाहूँगा कि आप भी जरूर जाएं इस क्षेत्र में, इस पावन नगरी का दर्शन करिए और आप अपने अनुभव को जरूर बतलाएं दूसरों को। तो ये था एक सामान्य छोटा सा वीडियो जो कि आधारित था डोंगरगढ़ पावन नगरी के ऊपर। दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण जाते जाते एक चीज़ याद रखना है, बताना चाहूँगा कि आपका जो डोंगरगढ़ है इसको जरूर याद रखेंगे कि सर्वप्रथम इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिक्र, ठीक है, सर्वप्रथम जो है इनका जो है जिक्र 1858 में एक मेजर हेरिन शेक्सपियर, है ना, ये शेक्सपियर जो है इनकी एक रचना थी द स्पॉट
लाइट ऑफ इंडिया है ना, स्पॉट वाइल्ड ऑफ इंडिया, यार आपको याद ना, स्पॉट वाइल्ड ऑफ इंडिया में जो है, ठीक है, इस स्पॉट वाइल्ड ऑफ इंडिया नामक किताब पर, है ना, नामक पुस्तक पर कह सकते हो, जिक्र हुआ है किनका, बमलेश्वरी मंदिर का। तो इस प्रकार से बमलेश्वरी मंदिर का उल्लेख जो है आपको याद रखना है, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किनके द्वारा किया गया, मेजर हेरिन शेक्सपियर, इसको याद रखना, मेजर हेरिन शेक्सपियर ने 1858 में, याद रखना है, स्पॉट वाइल्ड ऑफ, या वाइल्ड स्पॉट ऑफ इंडिया है ना, यहाँ पर याद रखना, थोड़ा सुधार करेंगे, वाइल्ड स्पॉट, ठीक है, वाइल्ड स्पॉट ऑफ इंडिया में जो है इनका उल्लेख है, कौन से माता का मंदिर का, आपको याद रखना है बमलेश्वरी माता का, 1858 में, हेरिन शेक्सपियर, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ये हो गया एक सामान्य जानकारी, ठीक है दोस्तों, और मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करेंगे, कमेंट जरूर करें दोस्तों, ताकि हमारा जो है उत्साहवर्धन होता रहे, आपके लिए और वीडियो लाते रहें बीच बीच में। तब तक के लिए चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।